फिल्म पद्मावती की रिलीज भारत में जरूर टल गई है, लेकिन विदेश में यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन BBFC ने फिल्म को मंजूरी दे दी है। विवादों में घिरी यह फिल्म ब्रिटेन में 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी का दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती और शाहिद कपूर महाराजा रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। इसे पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किया जा रहा है। BBFC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पद्मावती को ब्रिटेन में बगैर किसी कट से रिलीज किया जा रहा है। भारत में जहां एक तरफ फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को ब्रिटेन में रिलीज के लिए हरी झंडी मिल गई। इसमें पद्मावती का किरदार निभा रहे दीपिका पादुकोण के कुछ दृश्य को लेकर एक वर्ग में नाराजगी है। उनका कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके फिल्म को बनाया गया है। करनी सेना फिल्म के विरोध में सड़क पर उतर आई है और उनका कहना है कि बिना काट छाट के यह फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं लगने देंगे। वहीं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी फिल्म को रिलीज नहीं करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि फिल्म पद्मावती भारत में 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन कागजात में कमी की वजह से सेंसर ने निर्माताओं को वापस लौटा दिया। फिल्म की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सर्टिफिकेट देने में कम से कम 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ऐसे ही और भी न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MTD न्यूज़ को।